हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर डाविंसी इंस्टीट्यूट से। आपने सही थंबनेल पढ़ा है। एक छोटा सा चेंज हुआ है क्लास 12th के मैथ सिलेबस में। जी हाँ, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं है। मैंने जब उसके पीडीएफ को थॉरली पढ़ा तो वहां पता चला कि एक छोटा सा चेंज किया गया है। मैं आपको वो चेंज अभी दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बार 21 के सिलेबस में, 2020-21 के सिलेबस में क्या चेंजिंग आया है। इसके प्रीवियस जो हम लोग का सिलेबस था वो 1920 का, उसमें क्या था मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। एक छोटा सा चेंज किया गया है, ठीक है। एक इसके पहले के पहले सिलेबस में, इस बार जो चेंज किया गया था इसके पहले वाला में, तो एक टॉपिक, दो टॉपिक को डिलीट किया गया था, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक को फिर से वापस ले लिया गया है, क्लियर। ये देखिएगा, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि ये 2018 और 19, ध्यान से देखिएगा, उस टाइम दो टॉपिक था, क्लियर। एक बाइनरी ऑपरेशन और एक प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक था रिलेशन फंक्शन में था बाइनरी ऑपरेशन, और प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बीडी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। मैं अभी जाकर के दिखा दूंगा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2018-19 के सिलेबस में था ये, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। 2019 में बाइनरी ऑपरेशन को भी हटा दिया गया और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हटा दिया गया, ठीक है। इसमें दोनों टॉपिक हट गए। और इस बार क्या किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन अभी भी नहीं है, लेकिन बीडी, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दिखा देता हूं, आप भी जाकर के चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 12th के सिलेबस में क्या किया गया है। 11th बिल्कुल वही है, 12th के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये पीडीएफ दिखाता हूं। ये जो था, ध्यान से देखिए, ये सीबीएसई के वेबसाइट से मैं डाउनलोड किया हूं। ये रहा, ये 2021 का है, ध्यान से देखिएगा, 2021 का सिलेबस है। ऑलराइट, यहां पर मैं एक एक पेज बड़ा कर देता हूं, इसमें कोई चेंजिंग। यहां पहले मैं आपको यूनिट दिखा देता हूं कि टॉपिक वही है, रिलेशंस एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D, LPP एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यूनिट इसमें कितने सारे एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सब कुछ वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ टॉपिक बिल्कुल सेम है। चेंज कहां हुआ है मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये भी हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन, और ये रहा प्रोबेबिलिटी। इसी चीज को मुझे दिखाना है, ये रहा, देखिए, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये दिख रहा है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पिछले वाले सिलेबस में ये चीजें हटा दी गई थी, इस बार फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं। ये जो सिलेबस है ना, ये देखिए, इसके पिछले वाला साल 2019 और ये 20 का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि कंपेयर आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। यहां देखिए, मैं डायरेक्ट उसी टॉपिक प्रोबेबिलिटी टॉपिक को निकाल रहा हूं। यहां देखिए, यहां पर कहीं भी आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कहीं भी टॉपिक पढ़ के देख लीजिए, कहीं भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। जिस चीज को मैंने भी हाईलाइट किया था, दोनों टॉपिक को मैं बता देता हूं। देखो जी, यहां पर कहीं नहीं मिलने वाला है, ये जो बताया था, यहां देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां पर देखिए नहीं है, क्लियर। यही छोटा सा एक चेंज किया गया है।
बाइनरी ऑपरेशन पहले भी डिलीट कर दिया गया था, अभी भी डिलीट किया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो छोटा सा छोटा भी नोटिफिकेशन होगा सीबीएसई से रिलेटेड वो सारा का सारा ईमानदारी से मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए, हर टॉपिक का आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके पहले वाला वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि हर टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपके माइंड में पता होना चाहिए कि स्कूल जैसे खुलेगा, कहीं भी ट्यूशन करते हो वहां पे अपने टीचर से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये टॉपिक हुआ है नहीं हुआ है, एक एक चीज आपके माइंड में कम से कम टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।